मेकअप लुक देख रहे हैं, ये एक इंस्पायर मेकअप लुक है। एक यूट्यूबर हैं खुशबू जाधव, जिनसे इंस्पायर होकर के मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, जो खुशबू जाधव मैम का वीडियो है, मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अगर आप देखना चाहते हैं कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो फिर जल्दी से अपने वीडियो में मूव ऑन करते हैं। तो खुशबू मैम ने सबसे पहले अपने फेस को टोनिंग के लिए गुलाब जल यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को टोन करने के लिए। मैं आपको ये बता दूँ फ्रेंड्स कि जो उन्होंने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, वो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, बट जो मेरे पास हैं मैं उनसे ये मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट उन्होंने डव की क्रीम यूज़ करी है अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की सेफ्रॉन क्रीम। उसके बाद मैं प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ NYB का प्राइमर। तो नेक्स्ट उन्होंने फाउंडेशन के लिए यूज़ किया है फॉरएवर 52 का स्टिक फाउंडेशन, जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की BB क्रीम, और उसको मैं अपने हाथों से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो ब्यूटी स्पॉन्ज या फिर ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ NYB की ब्राउ पेंसिल, और ये बहुत ही अच्छी पेंसिल है, इसका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है। मैं इससे अच्छे से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी और फिर एक स्पूली की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी, मतलब कॉम कर लूँगी। नेक्स्ट उन्होंने NYX का कंसीलर लिया था, मैं यहाँ पे मेबिलिन फिटमी का कंसीलर लेकर के अपने आईब्रोज़ के नीचे और आईब्रो के ऊपर अच्छे से उसको लगाऊंगी, जिससे कि मेरी आईब्रोज़ बहुत ही अच्छी डिफाइन हो जाएंगी। और मैं इसको एज अ कंसीलर और एज अ हाइलाइटर भी यूज़ करूँगी, जैसा कि उन्होंने यूज़ किया था। और अगेन फिर मैं अपने फिंगर टिप से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब इसको अच्छे से सेट करने के बाद उन्होंने लूज़ पाउडर यूज़ किया था बनाना लूज़ पाउडर, तो मैं यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे वाइट टोन का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसको अपने अंडर आई के नीचे एक ब्रश की हेल्प से लगा लूँगी, और फिर इसके बाद अपना आई शेडो अप्लाई करूँगी, जिससे कि कोई भी आई शेडो का फॉल आउट होता है तो वो मेरे मेकअप को, मेरे बेस को ख़राब नहीं करेगा। नेक्स्ट आई शेडो के लिए मैंने यहाँ अपना हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है, और मैं इससे ये ब्राउन कलर वाला शेड लेकर के अपनी क्रीज लाइन को अच्छे से डिफाइन कर लूंगी, क्योंकि इस लुक में उन्होंने स्मोकी आई का लुक क्रिएट किया था, तो मैं उन्हीं की तरह आई लुक क्रिएट कर रही हूं। अब मैं एक काजल की हेल्प से हल्का हल्का लाइनर की तरह लगाऊंगी, थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो भी चलेगा। इस तरह का आई लुक मैंने एक बार और क्रिएट किया था, मैं उसके मेकअप लुक की अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे आई लाइनर लगा लूँगी और फिर उसको एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इसके बाद खुशबू मैम ने ये ब्लैक कलर का आई शेडो लेकर के अपनी आईलिड को, मतलब काजल को अच्छे से सेट कर लिया था, तो मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको बहुत ही अच्छे से आई शेडो को ब्लेंड करना होता है, जिससे कोई भी क्रीज लाइन दिखाई ना दे, वो एकदम नेचुरल लुक देता है। अगेन वही वाला ब्राउन शेड लेकर के हमें अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाना है, फिर ब्लैक कलर लेकर के अच्छे से ब्लैक कलर स्मज कर लेना है, जिससे कि हमारी एक आई का बहुत ही सुंदर लुक आएगा।
नेक्स्ट हम लगाएंगे काजल। तो मैं यहाँ NY बे का काजल यूज़ कर रही हूँ और पतला पतला अपनी लोअर लैश लाइन पे अच्छे से काजल को लगा लूँगी। तो नेक्स्ट खुशबू मैम ने यहाँ मस्कारा यूज़ किया था, उन्होंने फेक आई लैशेज नहीं लगाए थे, 3 से 4 बार उन्होंने अपने आई लैशेज पर मस्कारा अप्लाई किया था, तो मैं वैसे ही ट्राई कर रही हूँ। अब मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से जो मैंने यहाँ पे लूज़ पाउडर लगाया था उसको मैं हटा दूँगी और फिर एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपना पूरा मेकअप जो है वो सेट कर लूँगी। तो नेक्स्ट मैम ने अपने फेस में ब्रॉन्जिंग और कॉन्टोरिंग किया था, तो मैं यहाँ पे अपने ये हुडा ब्यूटी के आई शेडो पैलेट से ही ब्राउन कलर का शेड लेकर के अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर करूँगी। तो इस तरह मैं ब्रश की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ब्लशर के लिए इसी आई शेडो पैलेट से पिंक कलर का शेड लेकर के अच्छे से अपने फेस पे अपने चीक्स में ब्लशर लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर के लिए अपने शिवाना कलर शिमा ब्रिक का हाइलाइटर लेकर के अपने हाईएस्ट पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट करूँगी। मैम ने अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट किया था, उन्हीं की तरह मैं भी ट्राई कर रही हूँ। तो नेक्स्ट खुशबू मैम ने लिपस्टिक के लिए एले गर्ल का पर्पल लिपस्टिक कलर शेड यूज़ किया था, तो मेरे पास वो लिपस्टिक नहीं थी, मैं उनसे मैच करती हुई ये NY बे का लिपस्टिक का शेड मैंने लिया है और मैं इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसको लेकर के मैं अपने लिप्स में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। लास्ट में मैम ने अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैक का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया था, उसकी जगह मैं ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। तो ये है हमारा फाइनल लुक, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।